सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा वेरी स्टाइलिश वेरी हैंडसम बोले तो हम सबके चहेते सुपरस्टार मिस्टर संजय दत्त। अच्छा पिछली बार संजू सर जब आए इतनी सारी बातें ना एक्चुअली लोग इतनी क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने की, हालांकि उस फिल्म में काफ़ी कुछ आपकी लाइफ के बारे में बताया गया, लेकिन जितनी सारी चीज़ें जो घटनाएं आपकी लाइफ में घटी मुझे लगता है आप हर शनिवार अगले 10 साल तक भी आएँ तब भी हमारे सवाल ख़त्म नहीं हो गए इतनी क्यूरियोसिटी है सर। आपको कोई याद है पहली गर्लफ्रेंड आपने किस उम्र में बनाई थी भाजी? काफ़ी छोटी उम्र में। अच्छा, और मेरे पड़ोस की मतलब दोस्त थी। अच्छा, हाँ। चैरिटी बिगिंस मतलब आसपा मोहल्ले से शुरू किया। हाँ, तो मेरी माला 308 की है। But I want to know, संजू, कि किसने गिना ये नंबर, मतलब किसने बैठकर गिना कि इतनी लड़की है आपकी गर्लफ्रेंड रहे? मैंने नहीं गिना लेकिन अच्छा करी मतलब प्लस माइनस मतलब आसपास के लोगों ने क्यास लगाए। हाँ। एग्जैक्ट नंबर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हो सकता है। कपिल जी सर 309 हो सकता है। कितने आपको बता हम किस बारे में बात कर रहे हैं? शायद नहीं, लेकिन कुछ नॉटी ही है ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे एक्चुअली पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है हिस्टोरिकल फिल्में देखना, हिस्ट्री पढ़ना भी बड़ा अच्छा लगता है। मार्क्स आते थे? नहीं, मेरे जेन्युइनली अच्छे आते थे, हिस्ट्री में अच्छे आते थे। हाँ, अच्छे अच्छे का मतलब 33 नहीं होता है? नहीं नहीं 33 नहीं, उतना तो नहीं था। अरे नहीं नहीं, मतलब काफी आते थे 37 तक। हाँ। पहले आपको पता है अहमद शाह अब्दाली का रोल पहले अर्चना जी को ऑफर हुआ था। थोड़ी सी इनसे हो गई गलती, वो होता है जो अब्दाली की ड्रेस नहीं है जो जिसमें चेन वेन लगी है। हाँ। फिर उन्होंने 3-4 चेन निकाल कर उन्होंने छोटे ताले लगा के एयरपोर्ट पे भेज दिए। तो प्रोडक्शन वालों ने पकड़ लिया। तो इसलिए तेरी जो इमेजिनेशन है ना वो कमाल। देख लो अभी अभी क्या हम यही सब चीजें इमेजिन कर सकते हैं हमारी जो 308 गर्लफ्रेंड है। नहीं भाजी Now I got it. है? Now अब मुझे वो 309 वाला जोक समझ में आया। देख लो, पाजी still on. And मान्यता is going to watch this episode, हाँ? मान्यता देखेगी episode तो? 15-20 साल की शादी के बाद ऐसे ही होता है। इतनी धूल मिट्टी में शूट करने के बाद त्वचा का कैसे ख्याल रखती थी आप? नहीं पूछना, देखो सही कितनी गोरी है। मतलब कितना ग्लो करती है स्किन। मैं पाजी मेरे को कभी नहीं समझ में आया लड़कियों का चेहरा इतना ग्लो कैसे करता है, या तो ये ज्यादा ध्यान रखती हैं। वैसे तो ये बॉर्न ही ब्यूटीफुल है, इनके मम्मी पापा भी इतने हैं। मैंने बताया ना राहुल, हमारे पापा का नाम राहुल हुआ ही नहीं कभी। दीनानाथ जितेंद्र कुमार हमारे इनके। मैं फर्स्ट टाइम जब कपिल के शो पे आई थी वो तब से ही जस्ट कांट डाइजेस्ट कि मेरे पापा का नाम राहुल है। नाम तो सुना ही, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा। बड़ा मैं मतलब अगर मेरे पापा होते मैं उनका नाम राहुल रख देता, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तुम अपना नाम राहुल रखो पहले, पापा का नाम राहुल। हां एक्चुअली राहुल ज्यादा एडवांस है। तो फिर बताया नहीं आपने कैसे रखती थी त्वचा का ख्याल? मैं नहीं रखती थी एक्चुअली, आई मीन वो धूल मिट्टी गंदा ही दिखना था। सही से बताना कृति, जब शूटिंग के बाद मेकअप रिमूव करते हो तो क्या लगाते हो चेहरे पे, इतना ग्लो कैसे? हाउ? जस्ट स्टे हैप्पी। जस्ट स्टे हैप्पी, जस्ट स्टे हैप्पी। हमारा तो शो भी हैप्पी रहने वाला है। तो वो जो मैंने क्रीम मंगवाई वो मैं फेंक दूं फिर? ऐसा नहीं लग रहा है कि काम कर रही है तो फेंक ही दो। अच्छा कृति की इस साल की ये चौथी फिल्म है आपको पता है? पहले के टाइम में ना भाई बड़ा काम करते थे क्योंकि 4-5 बहनों की शादी करनी होती थी। आपको किसकी शादी करनी जो इतना काम करनी है आप?
शादी करने के लिए कौन काम करता है यार? मैं किसी की शादी करनी हो कोई ऐसा शादी करने की जरूरत ना पड़े, इंडिपेंडेंट रहो उसके लिए काम करते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली, वेरी नाइस, नारी शक्ति। पर सच्ची सच्ची बताना, इतने भारी जो आपने कॉस्ट्यूम पहने हैं, जंजीरों वाले, लोहे वाला जो मैं जिक्र कर रहा था, ऐसी जगह पे अगर आपको बाथरूम आ जाए मैं सर सॉरी, मेरे थोड़े सवाल बच्चों वाले होते हैं, हाँ। लेकिन मुझे जानने की ये क्यूरियोसिटी है कि एक नंबर दो नंबर जाना हो, हाँ। उसके हिसाब से वो टाइम के कपड़े कंफर्टेबल थे या आज वाले जो आपने पहने? पूछो ना। बिल्कुल आज वाले भाई, बिल्कुल आज वाले। वो मैं भी सोचता हूँ कि वो लोग करते कैसे थे। कि नवारी साड़ी हम सोचते हैं कि अरे आज का जमाने में पहन रहे हैं तो जिप विप लगा ली होगी, हुक लगा लिया होगा, स्टिच साड़ी होती है आज। मैं भी सोच रही थी कि नहीं, हमने प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से जैसे नवारी साड़ी ड्रेप की जाती है वैसे ही की थी, और मैं भी सोच रही थी कि वो करते कैसे थे। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका जो ड्रेप है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और मैं एक्चुअली कई बार ऐसा होता था कि मैं पूरा दिन बहुत सिप कर रही थी, पानी पी नहीं रही हूँ ताकि जाने की जरूरत ही ना पड़े। बट या दैट इज टफ। आज मेरा एक सवाल हमेशा रहता था मेरे असिस्टेंट्स को जी, कि एक्टर को बुलाने से पहले क्या वॉशरूम गए हैं? उनका वॉशरूम जाके आना बहुत जरूरी है। और अगर बीच में जाना है तो वो एक घंटा वो टाइम लग जाएगा। नहीं एक्चुअली अब्दाली घोड़े पे बैठा हो, हमले के लिए तैयार। और लेकिन अच्छी बात यह है कि घोड़ा कर सकता है अब्दाली ने। आपको पता है एक बात, घोड़ा सारी उम्र कभी बैठता नहीं है, बीमार होता है तो बैठता है। हाँ बीमार होता है तो बैठता है, अदरवाइज वो सोता भी खड़े खड़े है। Can you imagine? क्या बात है, वैसे हमने ये बात क्यों की? तू पता नहीं ऐसे बात कर रहा। हमने नहीं, मैंने आपको बताया कि देखो मेहनत करके। अब तू हाथी घोड़े की बात मेरे से क्यों करता है? मैं ये बोल रहा हूँ कि देख लो, खड़े खड़े सारी उम्र मेहनत करते हैं, वो नहीं बैठे बैठे कमाई करते हैं। मतलब राजा कोटेशन देना। हाँ पहले तो गमछा उतार अपना। राजा कपड़ा मार के आ रेडी। Just hold it. Just hold it. Oh my God. ले 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 ले। अंदर से जो तेरा दिख रहा है ना बनियान में। वापिस ले। Oh